कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आज आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद तेल बाजारों के बारे में जानकारी, साथ ही बाजारों में किस तरीके से इम्पोर्ट हो रहा है, माल बाजारों में कितना आ रहा है, किस हिसाब से सोया ऑयल में आने वाले समय में माल आ सकता है, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और मार्केट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ कांडला पोर्ट की स्थिति के बारे में भी आपको बताएंगे। कांडला पोर्ट में किस तरीके से सोया पाम, सोया डिगम में और सनफ्लावर ऑयल में काम काज चल रहा है, इसकी जानकारी भी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पे, खाद तेल संबंधित जानकारी मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सोया ऑयल से शुरुआत करेंगे। सोया ऑयल का अगर कल भाव देखा जाए तो कल सोया ऑयल का भाव बाजारों में स्थिर कारोबार देखा गया। 114 रुपये से 15 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव 91 रुपये पर बना हुआ है। राइस ब्रांड ऑयल का भाव 105 रुपये, राइस ब्रांड विंट्राइज आ गया है 105 रुपये का भाव रहा। मस्टर्ड का अगर बात करेंगे, मस्टर्ड ऑयल 130 रुपये पर सीमित दायरे में ही कामकाज देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड का भाव 4800 रुपये, नई फसल की आवक की वजह से 4800 रुपये के भाव में बाजारों में कामकाज कर रहा है। अब जान लेते हैं सेप्टेम्बर में अभी तक कितना इम्पोर्ट हुआ है। अगर सेप्टेम्बर में भारत की बात करी जाए तो भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा लगभग 11.7 लाख टन पाम ऑयल का इम्पोर्ट होने का अनुमान है, जो अगस्त से 18% ज़्यादा होगा। अगर सॉफ्ट ऑयल की बात करी जाए तो इम्पोर्ट लगभग 4.20 लाख टन पर सीमित रहेगा। नॉर्थ और वेस्ट जोन में सेप्टेम्बर में सोया तेल इम्पोर्ट अगस्त से ज़्यादा हुआ है, तो ईस्ट इंडिया में अगस्त में 30% कम हुआ है। नॉर्थ जोन में इसी तरीके सितंबर में रिकॉर्ड लगभग 4.5 लाख टन पाम ऑयल का इंपोर्ट हुआ था, जो अगस्त से 35% बढ़ा हुआ है। सितंबर में इंपोर्ट अभी तक दूसरा हाई अभी तक बन चुका है। तो लगातार आप देख रहे हैं जो इंपोर्ट बढ़ रहा है उसका सीधा असर घरेलू खाद तेल बाजारों में, भारतीय बाजारों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात करेंगे कांडला पोर्ट में कल किस तरीके से कामकाज हुआ। कांडला पोर्ट में क्रूड पाम का भाव 776 रुपये रहा, फॉरवर्ड का भाव 766 रुपये। इसी के तहत पामोलिन का भाव कल 85 रुपये, 850 रुपये के आसपास कामकाज किया। सोया रिफाइंड का भाव 1105 रुपये रहा। सोया डिगम की अगर बात करें, मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। डिगम की अगर बात करेंगे तो 1065 रुपये में, फॉरवर्ड में 1050 रुपये का भाव रहा। सनफ्लावर ऑयल का भाव 1340 रुपये में बाजार स्थिर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से KLC अगर इंटरनेशनल बाजारों की बात करी जाए, KLC में हल्की सी मामूली बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। KLC में +12 रिंगिट होके बाजार बंद हुआ। लेकिन आज जो KLC सुबह मॉर्निंग में खुली है, आज US बाजारों में एक अच्छी बाजारों में तेजी देखी जा रही है। आप देख रहे हैं डाउ जोन्स में रात को 765 अंकों की जबरदस्त तेजी थी। उसका मुख्य कारण यह था कि जो डॉलर इंडेक्स था उसमें लगातार जो बढ़त आई थी उसमें कमजोरी आई है, उसका सीधा असर बाजारों में देखने के लिए पड़ा है। और बॉन्ड यील्ड भी थी वहां पर जो घट गई है, उसका भी असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो KLC जो आज ओपन हुई है बाजार, आपको बताया था आज KLC +73 रिंगिट बाजार ओपन हुआ है। इसके हिसाब से लगभग 1.5 से 2 रुपए के हिसाब से 1.5 से 2 रुपए किलो कांडला पोर्ट में भाव में उछाल आने की संभावना नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 114 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 116 रुपए है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, इसी तरीके रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 103 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 105 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर बात करी जाए तो लगभग आप देख रहे हैं 6000 रुपए से 6200 रुपए की रेंज में दिल्ली जयपुर की लाइन का बाजारों में कामकाज हो रहा है। 6000 रुपए का ही सपोर्ट बाजारों में कामकाज कर रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल 6400 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5100 रुपए। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद तेल बाजारों में यहाँ पर आप देखेंगे स्थिरता के साथ ही बाजारों में कामकाज होगा। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फिलहाल अभी गिरावट के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अगर ग्लोबली बाजार अगर बाजार सपोर्ट करता है और KLC में लगातार इसी तरीके से सपोर्ट बना रहता है तो बाजारों में आप यहां से एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देख के चल सकते हैं। तो जो भी खरीदारी करनी है आपको अपनी अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन अपने घाटे का अनुमान भी लगा के चलिए कि बाजार अगर कहीं घटेगा तो उसको भी आप लोग बुक करके जरूर चलें। तो अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।